तो फिर खरीद नहीं होगा, खरीद नहीं होगा तो व्यापारी नहीं मंगाएगा, व्यापारी के नहीं मंगाएगा तो ऊपर होलसेलर नहीं मंगाएगा, फिर बाद में हमारी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। कहाँ है ये ग्रोथ जो बताते हैं कभी कभी आंकड़ों में, वो ग्रोथ बस ये समझ में नहीं आता कोई। अच्छा, जॉब कहीं जनरेट नहीं हो रही, ऐसा ग्रोथ का कोई मतलब नहीं है अगर जॉब क्रिएट नहीं कर रहा। करोड़ों लोग आग बेरोजगार पड़े, वादे जबरदस्त कर दिए, एक वादा आप निभा नहीं रहे, विद्यार्थी अलग परेशान है, कई परीक्षाएं हो रही है, दूसरे दिन ही पेपर लीक हो जाता है, कई कोर्टों में चला जाते हैं, वही पुरानी भर्तियां पड़ी रहती है। SSC में जा, जिधर आप अखबार देखो, क्राइम की हालत देख लीजिए क्या हो रहा है, रोज ऐसे रोंगटे खड़े होने वाले। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चियां हमारी सुरक्षित नहीं, वो लगता है ऐसी, और सब डरे हुए, सब डरे हुए हैं। जुडिशरी में भी सब कहाँ व्याप्त नहीं है, आप लोगों में व्याप्त है। आपके SC ST OBC के वो बेचारे थरथरा रहे, हिसाब क्या होगा, कभी कोई उनके नेता कौन सा बयान दे देता है, कभी कहते हैं रिजर्वेशन बंद हो रहा है, कभी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, भगवान जाने कि क्या हो क्या रहा है देश के अंदर। भाई आप, हम लोग जैसे कांग्रेस के लोग हैं, हम लोग तो 36 कौम बराबर सब भाईचारा रखते हैं, हमारे लिए सब जातियाँ हैं। लोग बाग क्या पता, लोग बाग तरह तरह की आशंकाएँ कर रहे हैं कि साहब चुनाव आ रहे हैं, अभी जातिगत झगड़े करवाएंगे, कभी कहते हैं जी कम्युनल झगड़े करवाएंगे, कभी ये कर देंगे कभी वो कर देंगे, तो सारी जनता डरी हुई है, आशंकित है। और जो क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, इस तरह की संगीन वारदातें आती हैं जिनको कभी कभी तो पढ़ करके और शर्म आ जाती है। सर, आगामी चुनाव में कोई बड़े चेहरे यहाँ पर प्रचार करने के लिए आएंगे, उनमें कुछ नाम है प्रमुख है चुनावों के दौरान, कुछ बड़े चेहरे कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर प्रचार के लिए आएंगे? जब चुनाव के आएंगे बिल्कुल स्टार प्रचारक आएंगे, बिल्कुल आएंगे, शुरुआत आज से ही हो रही है सर। ये वाले तो देखिए, अभी हमारे ये वाला संभाग स्तर के अभी प्लान किए हैं हमारे महासचिव और PCC चीफ ने, तो ये पहला संभागीय स्तर का सम्मेलन है जिसमें बूथ कार्यकर्ताओं को बुलाएंगे और नेताओं को बुलाएंगे, और फिर ये देखेंगे कि साहब किस तरीके से बूथ को संगठित किया जाए, लोगों को मोटिवेट किया जाए। सवाल क्या है कि बहुत सारे इशूज ऐसे आएंगे, बाकी समाज के सभी वर्ग परेशान हैं और डरे हुए। मजदूर को लीजिएगा, किसान भी एक तरह का, आज हमारा आप लैंडलॉर्ड नहीं मानते उसको, एक खेतिहर मजदूर है। अगर वो अपनी मजदूरी भी नरेगा की जोड़े तो घाटे में जाता है, और सारी जो सब्सिडियां पहले थी वो सारी कम कर दी हैं, भाव जो MSP है वो नहीं मिल रहा है। इन लोगों ने कहा था कि हम डेढ़ा कर देंगे, दूना कर देंगे, मैं कह रहा हूँ जो आपकी MSP है वही आप दिला दीजिए। आज सरसों का क्या भाव है, 4000 है, लेकिन 25 क्विंटल अब 40 क्विंटल किया है, बाकी तो सारी की सारी 3400-3500-3300 ले रहे हैं। गेहूं की भी यही हालत है, प्याज की भी यही है, चने की भी यही भाव है आपका। प्याज में किसान मर रहे हैं सीकर साइड में, रिन में टमाटर की खेती 3 रुपए किलो जा रहा है अभी मंडी में, जयपुर की मंडी में।
सर आगे अगर आपकी सरकार आती हो तो किसानों को किस प्रकार से राहत दी? देखिए किसानों को बिल्कुल पहले भी दिए हम लोगों ने, देखो हमारे टाइम में 71,000 करोड़ रुपए के कर्जे माफ किए थे किसानों को एक साथ, और इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज का सवाल है। अगर गवर्नमेंट फर्म है कि लोगों को पूरा उसका मूल्य मिले तो ज़रूर मिलेगा। इन लोगों ने कभी एक्सपोर्ट खोल देते हैं, कभी एक्सपोर्ट बंद कर देते हैं। आप एक्सपोर्ट करिएगा ना, लहसुन का एक्सपोर्ट करिएगा, प्याज का एक्सपोर्ट करिए, एकदम ऊपर आ जाएंगे। किसान की बेबुदी चाहती ही नहीं है सर। आप एक्सपोर्ट करिए, कौन मना कर रहा है आपको? एक्सपोर्ट करते ही आपके प्याज के भाव ऊपर आ जाएंगे, आपके लहसुन के भाव ऊपर आ जाएंगे। ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज के भाव नियंत्रण करना गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर निर्भर करता है। बहुत सारी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंटी किसान है। ये सरकारी एंटी किसान है, एंटी मजदूर है, व्यापारी सारे रो रहे बेचारे। जिस व्यापारी से मिलो तो आप घाटा चल रहे हैं, कोई सौदा लेने को आ ही नहीं रहा है। लोगों को पैसा खत्म हो रहा है, लोग अभी भी लाइन में लग रहे हैं, इस बारे में क्या कहना है सरकार का, क्या किस ओर जा रही है? देखिएगा मिसमैनेजमेंट है, संभल नहीं रहा इन लोगों से। कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, उसमें मिसमैच हो गया, जिसकी वजह से डिफ़िकल्टी आ रही है। नोटबंदी के बाद में भी सुधर ही नहीं पा रहा। सरकार को खूब मात्रा में आपके नोट छाप करके देने चाहिए। फिर क्या 2000 के नोट के लिए इनको कैलिब्रेट कर लिया इन लोगों, और उसके बाद 2000 के नोट छापना बंद कर दिए। 200 का नोट छापा, उसमें इन्होंने उसका फिट नहीं बैठ रहा है ATM। ये तो क्या है, दूरदृष्टता मानता हूँ, बाकी तो इस तरह कमी होनी नहीं चाहिए। सर अभी एक निर्णय आया है कि 12 साल से कम उम्र के बलात्कारियों को फांसी की सजा हो, तो ये कहीं भेदभाव तो नहीं है बच्चों के साथ? क्योंकि बलात्कार एक ऐसा जुर्म है, उसमें तो सभी आरोपियों को देखिएगा। ये सोशल लेजिस्लेशन और इनमें तो भाई जितनी कड़ी से कड़ी सजा मिले उतना है। मेरी समझ में जो भी समाज में हो रहा है वो देख, कभी कभी जिस तरह की घटना होती है उसे देख करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, शर्म आती है। इसलिए सरकार जो भी इस तरह के कदम उठाती है हमारा कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। ठीक सर।